देखो बाबू, तो ये क्वेश्चंस जो है आपको फोर हैं, एक्सरसाइज 7.2, ठीक, एनसीईआरटी बुक से बिलोंग कर रहे हैं और आपको सेक्शन फॉर्मूला हम पढ़ा रहे हैं, ठीक। हमने इस चैप्टर में, यानी चैप्टर नंबर कितना है, 7 ना, तो चैप्टर में हमने अभी कितने चीज़ के बारे में डिस्कस किए, डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला और मिड टर्म फार्मूला, ठीक ना, मिड पॉइंट फार्मूला पढ़ाएं। तो ये तीन चीज़ें जो है आपके दिमाग में क्या होना चाहिए, बिल्कुल 100% सेट होना चाहिए, समझ में आ रहा है। चलो तो हम क्वेश्चन नंबर थर्ड पर क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड हो गया ना, फोर है, चलो फोर को देखते, देखो ये बात नहीं करो, इधर देखो, फाइंड द रेशियो, हमें क्या पूछ दिया, रेशियो, फाइंड द रेशियो यानी विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट, आपको दिस एंड दिस इट डिवाइडेड, आपको ऐसे कर रहे हैं। अब समझना, एक क्वेश्चन को समझना कि बोला सबसे पहले तो हमको रेशियो फाइंड करना है, सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे, क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे और उस लाइन को नाम रख देंगे कि लाइन रहा होगा ए और लाइन रहा होगा बी। और देखो यहां पे समझने का प्रयास करना, इन बीच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग, दोनों लाइन को ज्वाइन कौन कर रहा है, आपको एक कोऑर्डिनेट और एक कोऑर्डिनेट दोनों मिलकर के ज्वाइन कर रहा है, तो यहां लिखेगा -3 और 10, यहां लिखेगा 6 और -8, यही लिखेगा ना। अब बताओ कि यही पूछ पूछा है कि डिवाइड बाय आपको ई, तो डिवाइड कौन करता है, यहां पे पी ना, यहां पे क्या है, -1 है और यहां पे 6 है, यही है ना, और M1 और M2, तो हम समझ जाए कि M1 M2 जो है आपको 1:1 के रूप में लाइक किया हो, नहीं, इसको चाहे के मान लो, के भी मान सकते हो, समझ गया, के मान लो, के मान के बना सकते हो। चलो तो यहाँ पे देखो, लेट यहाँ पे कर दो, सबसे पहले इसको क्या कर देते हैं, कोरिलेट कर देते हैं ए और बी, यहाँ पे ऐसे का मतलब क्या हुआ, X1 और Y1 ना, और यहाँ पे X2 और Y2, और यहाँ का मतलब क्या हुआ, P जो है इसका मतलब क्या, X और Y, और यहाँ पे M1 और M2, तो हम यहाँ पे मान लेते हैं, हमें पता नहीं है रेशियो, पता नहीं है तो रेशियो क्या करो, तुम कुछ मान लो, जैसे फोर डेट कि हम यहाँ पे K मान लेते हैं और यहाँ पे 1 मान लेते हैं, तो यहाँ पे लिख देगा सॉल्यूशन में, क्या लिखेगा, लेट, बात कर रहा है, लेट लेट क्या करेगा, लेट द रेशियो, द रेशियो ऑफ के रेशियो वन, लेट द रेशियो ऑफ डिवाइड डिवाइड एफ बी, यानी क्या कर रहा है, रेशियो जो है मेरा, यानी के रेशियो वन जो है डिवाइड कर रहा है किसको, आपको ए बी को, समझ गया। अब यहाँ से तुम क्या लगाएगा, तो यूजिंग क्या, सेक्शन फॉर्मूला ना, सेक्शन सेक्शन फार्मूला, क्यों लगा रहे हैं सेक्शन फार्मूला, ये हमें क्या पूछा है, रेशियो पूछा है, तो बताओ सेक्शन फार्मूला क्या होता है, एक्स होता है, बोलो, एम वन और एक्स टू प्लस एम टू और एक्स वन, बट्टा में क्या चलेगा, एम वन प्लस एम टू, ऐसे चलेगा ना। तो बताओ एक क्या है मेरे पास, एक्स ये है ना, तो एक्स का वैल्यू कितना, -1 ना, इक्वल में कितना, M1, देखो M1 कितना, K ना, बोलो, माने है देखो, लेट द रेशियो ऑफ, यानी A डिवाइड आपको AB, यानी AB को क्या कर रहा है, K रेशियो 1 में डिवाइड कर रहा है, तो X2 कितना, तो देखो X2 यहाँ है ना, 6, प्लस M2 कितना, तो देखो M2 कितना, 1, X1 कितना, तो देखो X1 -3, दिमाग को एक जगह रखने पड़ेगा, M1 प्लस M2, तो M1 M2 कितना, K+1 ना, K+1। अब यहाँ से सॉल्यूशन में आ जाओ,
तो क्या लिखेंगे माइनस वन को क्या करेंगे, अभी कुछ नहीं, अभी ऐसे चलने दो। इक्वल में देखो सिक्स को के से मल्टीपल करेंगे क्या होगा सिक्स के, और यहाँ पे देखो थोड़ा सा गौर करो माइनस थ्री को वन से मल्टीपल करेंगे माइनस थ्री, और ये प्लस है तो पूरे के माइनस थ्री लिख दें, माइनस थ्री बट्टा में क्या आपको के प्लस वन, यही ना। अब यहाँ पे देखो माइनस वन और इसको मल्टीपल कर दो के प्लस वन क्रॉस मल्टीपल, और यहाँ पे क्या चल रहा है सिक्स के माइनस में क्या थ्री। अब यहाँ पे क्या करेगा ऐसे मल्टीपल करेगा क्या हो जाएगा माइनस के और माइनस वन बराबर में क्या सिक्स के माइनस थ्री आता है ना, सिक्स के माइनस थ्री। अब यहाँ पे माइनस के है रहने दो, ये साइड में माइनस के को लाओ क्या हो जाएगा माइनस सिक्स के, इधर माइनस थ्री ये उधर जाएगा क्या हो जाएगा प्लस का वन, तो क्या हो जाएगा माइनस सेवन के, और इधर क्या माइनस का टू। अब यहाँ क्या हो जाएगा के बराबर माइनस का टू और बट्टा में माइनस सेवन, ये कैंसिल हो जाएगा ना, तो के का वैल्यू मेरे पास क्या निकल के आया, ये मेरे पास पूछा था रेशियो, तो रेशियो क्या था मेरे पास के रेशियो वन था ना, तो बताओ जब के रेशियो वन है तो के बट्टा वन लिख सकते हैं, मतलब कहीं पर भी देखो थ्री बट्टा में फोर लिखा रहता है तो थ्री रेशियो तुम लिख सकता है कि नहीं लिख सकता है, लिख सकता है ना, तो मेरे पास ऐसे आया है मतलब के नीचे वन छिपा हुआ है। रेशियो हमें रेशियो फाइंड करने बोला था, तो अब यहाँ पे टू बट्टा सेवन नीचे में क्या छिपा हुआ है वन छिपा हुआ है, तो क्या तुम पढ़ा है वन टू थ्री का रूल ऑलरेडी पढ़ाए हैं, सबसे नीचे वाला ऊपर चला जाएगा तो के बराबर क्या होगा टू इंटू वन बट्टा में सेवन, तो के बराबर क्या हो जाएगा टू बट्टा में सेवन। तो जो बाबू मेरे पास रेशियो निकल के आया, रेशियो कितना निकल के आया, रेशियो जो निकल के आया आंसर वो आपको क्या आ जाएगा, आपको टू रेशियो सेवन आंसर, या आंसर में लिखा होगा टू बाई सेवन भी चलेगा या टू रेशियो सेवन, दोनों एक ही चीज़ें हैं। तो आई होप कि क्वेश्चन नंबर फोर समझ में आया होगा, एक बार रिकॉल कर दें। देखो हमें क्या पूछा था कि फाइंड द रेशियो, हमें रेशियो निकालने बोला था कैसे, कुछ को हमें गिवन दिया गया है विच इज द लाइन सेगमेंट इज ज्वाइनिंग द पॉइंट, आपको ये और ये दो आपको जो है पॉइंट दिए गए हैं, कोऑर्डिनेट दिए गए हैं, और ये दोनों कोऑर्डिनेट किसी लाइन को ज्वाइन कर रहा है, ठीक ना, और ये दोनों कोऑर्डिनेट को जो डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है आपको वन माइनस वन और सिक्स है तो पी इतना। अब बोला कि इसका रेशियो क्या रहा होगा, तो हमें रेशियो पता नहीं है, तो रेशियो हम मान लिए, रेशियो हम क्या किए मान, बदमाशी मत करो, देखो यहाँ पे तो इसको क्या किए हम इस तरीका से रिअरेंज किए, और रिअरेंज करके इसको क्या किए एक दूसरे से कोरिलेट कर दिए, और कोरिलेट करने के बाद हमें पता है रेशियो जब पूछा है तो हम मान लिए कि दोनों के बीच का रेशियो रहा होगा के रेशियो वन, हम मान लिए, इस तरीका से सेक्शन फार्मूला लगाएं, और सेक्शन फार्मूला बहुत अच्छा से पढ़ाएं, सेक्शन फार्मूला क्या होता है देखो, सेक्शन फार्मूला यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको हम सोल्व किए इस तरीके से डाल करके, तो मेरे पास जो रेशियो निकल के आ रहा है ये निकल के आ रहा है। और तुम बोलेगा सर हम इसको से लेकर चले हैं, एक से लेकर चले हैं, आप ऐसा करिए कि वाई से लेकर बना दीजिए, तो वाई से तुम खुद ही बना कर देख लो, वाई से भी बनाएगा तो आंसर क्या आएगा, यही आएगा, आंसर में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो हम यहाँ पे जो एक से लेकर बनाए हैं ना, तो तुम लोग घर पे जाएगा तो वाई के टर्म को लेकर बनाएगा, तब भी आंसर वत नहीं आएगा, आंसर में किसी टाइप का कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाले हैं। चलो इसको नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, देखो अब क्वेश्चन नंबर क्या है फाइव है, एक्सरसाइज 7.2, ठीक सारे कुछ समझ में आ रहे होंगे। फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द ए, नाम दे दिया ना यहाँ पे, कोऑर्डिनेट का नाम दे दिया, एंड कोऑर्डिनेट बी आपको इतना है, डिवाइड बाई द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पर डिवाइड कर रहा है, तो बहुत बार तुम लोग के बता चुके हैं, जब यहाँ पे अगर वन है आपको टू है थ्री है, यहाँ पे वन है टू है थ्री है, अगर एक्स का कोऑर्डिनेट चल रहा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा वन जीरो हो जाएगा, यानी एक्स का कोऑर्डिनेट पर वाई जीरो और वाई के कोऑर्डिनेट पर एक्स जीरो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा टू जीरो होगा ना,
यहाँ पे थ्री जीरो, यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो, अगर y के कोऑर्डिनेट चलता तो क्या हो जाता, वन और जीरो हो जाता, सॉरी जीरो वन नहीं, यहाँ पे जीरो टू, यहाँ पे जीरो थ्री। ऐसा क्यों? क्योंकि जब भी कोऑर्डिनेट लिखाता है ना तो एक्स वाई लिखाता है, नहीं तो एक्स का टर्म और वाई का टर्म, तो सबसे पहले जो लिखाता है एक्स का टर्म लिखाता है, बाद में वाई का टर्म, इसलिए यहाँ पे इस तरीका से। तो ये सारी चीज़ें हमने क्या किया है, करा रखा है। तो बोल रहा है कि एक्स एक्सिस ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट। देखो फोर्थ नंबर क्वेश्चन में आपको कोऑर्डिनेट नहीं पूछा था, फोर्थ नंबर क्वेश्चन में सिर्फ उसे पूछा था कि आपको रेशियो फाइंड करना है, पर फाइव नंबर में पूछ दिया कि आपको रेशियो तो फाइंड करना ही है, रेशियो के साथ साथ और क्या फाइंड करना है, कोऑर्डिनेट भी फाइंड करना है, कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ द डिवाइड, कितने पर ये आपको डिवाइड कर रही है, ये चीज पूछे हैं। तो चलिए हम आते हैं कहाँ पे, सॉल्यूशन पे आते हैं। ध्यान से सबसे पहले बाबू हम क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक। ऐसे लाइन को हमें नाम नहीं देना है अपना मन से, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी नाम दिया गया है। कोऑर्डिनेट क्या है, वन और माइनस फाइव है ना, और यहाँ पे क्या दिया गया है, माइनस फोर और फाइव दिया गया है, इन्हें दिया गया है, और ए क्या है, मिड पॉइंट है, और यहाँ पे क्या होता है, एम वन होता है, और यहाँ पे क्या होता है, एम टू होता है। तो हमें रेशियो तो पता नहीं है, रेशियो पता है तो हमें तो मानने पड़ेगा, लेट बी द रेशियो ऑफ क्या, डिवाइड्स ए बी डिवाइड ए बी क्या हो जाएगा, यानी लेट बी द रेशियो ऑफ डिवाइड ए बी इन द टर्म ऑफ टर्म्स ऑफ क्या, के रेशियो वन मान लो, के रेशियो मान मान लो हम, रेशियो क्या माने हैं, ये दोनों के बीच का जो रेशियो क्या रहा होगा बोलो, ये दोनों के बीच का जो रेशियो रहा होगा क्या रहा होगा, यानी के रहा होगा और वन रहा होगा, और ये पी है, इसको हम कोरिलेट कर देते हैं, ठीक ना, यहाँ पे ए है और यहाँ पे बी है, तो ये क्या एक्स वन और वाई वन, ठीक, और यहाँ पे एक्स टू और वाई टू, और यहाँ पे क्या रहता है, एक्स का कोऑर्डिनेट है ना, देखो बोला है किसका, एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस बोल दिया है, वहाँ पे कुछ बोला नहीं, तो ऑलरेडी क्या फोर नंबर क्वेश्चन में वहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट और एक्स का एक्सिस और वाई एक्सिस नहीं बोला था, वहाँ पे डायरेक्ट क्या दे दिया था, नंबर दे दिया था, और यहाँ पे एक्स बोल दिया है, तो एक्स मानेंगे तो वाई क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इतना चीज़ें समझ में आ गया, तो अब देखो हमें जो पूछा है उसके अकॉर्डिंग सोल्व कर लेते हैं, कैसे सोल्व होगा, कैसे सोल्व होगा, तो यूजिंग क्या करेगा बोलो, सेक्शन फार्मूला, सेक्शन फार्मूला का यूज करेगा। तो सेक्शन फार्मूला वो क्या होता है बताओ, सेक्शन फार्मूला होता है एम वन एक्स एक्स टू प्लस एम टू एक्स एक्स वन। अब हमें लिखने की जरूरत है क्या, लिख दें क्या, एम वन कितना है, एक्स टू वन कितना है, तो देखो एम वन जो है, एम वन है देखो, एम वन इसके जगह लिए है ना, तो एम वन कितना है, के बता, एम टू कितना है, वन, देखो एम टू कितना है, वन, एक्स वन कितना है बोलो, एक्स वन है ना, तो एक्स वन कितना, वन, और एक्स टू कितना बोलो, एक्स टू है ना, माइनस का फोर, अब बताओ वाई वन कितना, ए ना, तो माइनस का फाइव, और वाई टू कितना बोलो, वाई टू यहाँ ना, तो वाई टू फाइव। तो ये चीज़ें समझ में आना चाहिए, कोई दिक्कत, अरे देखो इसको पर तुम फुट कर दो एक्स वन, तो देखो ना एक्स वन है, तो ऐसा करो कि एक्स वन का जो हमको वैल्यू दिया गया है, तो हमें एक्स वन का कुछ वैल्यू पता ही नहीं है, मगर वाई का हमको क्या है वैल्यू पता है, जीरो दिया गया है, तो पहले हम एक्स का वैल्यू नहीं निकाल करके कहाँ से हम निकालने का प्रयास करेंगे, वाई का, क्यों ऐसा क्यों, क्योंकि हमको वाई का वैल्यू जीरो पता है, और मान ली कि नंबर कितने टाइप का होते हैं, टू टाइप का नंबर होता है, कितने टाइप का, टू टाइप का, कौन कौन, वेरिएबल और कॉन्स्टेंट, तो वेरिएबल नंबर जो होता है अगर बोल दिया एक्स वाई जेड तो कुछ भी हो सकता है, उसको वैल्यू फाइंड नहीं है, हमको फाइंड करने पड़ता है, मगर बोल दिया थ्रू थ्री फाइव तो वो वैल्यू हमको क्या है पता है, तो यहाँ पे जीरो दे दिया वाई, तो हमें तो वाई का तो वैल्यू पता है, एक्स का वैल्यू पता नहीं है, तो ऐसा हम करते हैं कि पहले हम वाई का वैल्यू हम निकाल लेते हैं, ठीक,
y ही निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत है? अब देखो इसको मैं पहले y निकालो, ठीक, तो y क्या हो जाएंगे बोलो, y क्या हो जाएंगे, सेक्शन फॉर्मूला लगाओ, सेक्शन फॉर्मूला लगाओ, तो y बराबर क्या बोलो, m1 y2 प्लस m2 y1 बट्टा में क्या m1 प्लस m2। अब यहाँ पे तुम ही बताओ, यहाँ पे समझने का प्रयास करो कि m1 कितना है, m2 कितना है, ठीक, और x1 कितना है, x2 कितना है, और y1 कितना है और y2 कितना है। तो m1 कितना है बताओ, m1 कितना है, k है, m2 कितना है, 1, x1 कितना है, 1, बताओ x2 कितना, x1 1 और x2 कितना है, -4, y1 कितना है, -5, और y2 कितना है, 5। इसको पर पुट करो, इसको इसको में इंक डालो, तो इसको इंक डालो, देखो यहाँ पे समझो, देखो यहाँ पे बाबू देखने का प्रयास करना कि m1, m1 कितना है, k है ना, y2 कितना है, देखो y2 कितना, 5 प्लस m2, बोलो m2, देखो देख कर भी नहीं बोल सकता है, m2 कितना, 1, और y1 कितना, माइनस का 5, यही ना है। अरे क्या देखो m1 और m2, m1 और m2 क्या, k प्लस 1, इसको सोल्व करो, इसको सोल्व करो, तो k को 5 से करेगा तो 5 के ना, और ये पूरा यहाँ से करेगा तो माइनस के 5 आएंगे, और k प्लस 1, और y का वैल्यू कितना दे दिया है, देखो तो y का वैल्यू 0 है ना, तो यहाँ पे तुम क्या देगा, 0, यहाँ पे 0 कर दो, यहाँ पे 0 कर दो, कोई दिक्कत, 0 दिया गया है, यहाँ पे ऐसे कर दिए। अब बताओ यहाँ पे समझो कि 0 को k प्लस 1 से अगर हम मल्टीपल करेंगे, क्रॉस मल्टीपल, तो 0 ही टोटल हो जाएगा, तो 5 के माइनस 5, तो बताओ या इसको 0 से मल्टीपल करेंगे क्या हो जाएगा, 0, और यहाँ पे क्या चल रहा है, 5 के माइनस 5। अब बताओ इसको रीअरेंज करेगा तो क्या हो जाएगा, इधर 5 लाओ तो 5 के हो जाएगा, इधर 5 के लाए तो इधर हो गया, और इधर तो ऑलरेडी ऐसे था ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये माइनस में, और ये भी इधर माइनस में, नहीं समझ में आया, नॉर्मल चीज़ है, 10 क्लास में सब देखो ना, इधर जो है इधर लाएँ तो इधर लाएँ तो प्लस में था तो माइनस में आ गया, इधर ही छोड़ दिए तो क्या हो जाएगा, दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो k बराबर क्या, 5 बट्टा में 5, तो 1 ना, तो k का वैल्यू कितना, 1। अब बताओ k का वैल्यू मेरे पास 1 आ गया, अब तो m1 कितना आ गया, 1, और m2 कितना था, 1, तो ये मेरे पास जो रेशियो आया, k का जो रेशियो आया, k का जो रेशियो आया, समझना, k का बाबू मेरे पास रेशियो आया, यानी इतना, यानी 1/1, तो जो k का जो वैल्यू में आया, यानी यहाँ पे जो रेशियो आया, रेशियो कितना आ रहा है, रेशियो कितना आ रहा है, 1:1, तो ये मेरा पास एक पूछा था ना, तो यहाँ पे से एक आंसर निकल के आ गया ना, यहाँ पर मेरा एक आंसर निकल के आया ना, पीटेंगे तो बदमाशी कर रही है, जब भी तुम्हारे पर नज़र जा रहा है तो बदमाशी कर रही है, पढ़ ना रही है, देखो इधर देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे आ जाओ, अब तो हमको पता चल गया ना सब कुछ, तो एक्स वन, एक्स तो वन तो हमको निकालना है, हमें क्या निकालना है, कोऑर्डिनेट ना, तो कोऑर्डिनेट का मतलब x भी निकालना होगा और y भी निकालना होगा, तो यहाँ से निकालो, बताओ m1 कितना, देखो यहाँ देख के बताओ m1 k, और k कितना लाया है बताओ, k कितना है, 1 है, तो 1 इंटू एक्स टू कितना, माइनस का 4, प्लस m2 कितना, 1, x1 कितना, 1, बट्टा में क्या m1 m2 कितना, m1 m2 कितना, तो 1 1 प्लस 1 ना, देखो ना अभी k का वैल्यू लाया ना 1, तो आपको m1 कितना, m1 का काम कर रहा है 1, और m2 का भी काम कर रहा है 1, नहीं तो 1 प्लस 1 2 ना, तो x बराबर कितना, -4 और प्लस 1 बट्टा में 2, तो कितना आ जाएगा बोलो, x बराबर में -3/2 ये आएगा ना, तो एक तो निकल गया, अब हमें क्या निकालना है,
वाई निकालना है, तो देखो इधर तो स्पेस नहीं है, यहाँ निकाल लें, यहाँ निकाल लेते हैं, समझो कि आप क्या निकालेंगे, वाई। तो वाई क्या होता है बताओ, एम वन और वाई वन, वाई टू ना, प्लस एम टू और वाई वन, बट्टा में एम वन प्लस एम टू। अब बताओ वाई, वाई क्या है बोलो, अरे तो निकल ही गया, अरे ये तो निकल गया ना, हाँ ठीक तो है, तो एक्स बराबर ए निकल गया, वाई बराबर तो निकल तो गया, अब इसको मैं करना क्या है, सारे कुछ तो हो गया, निकलना है ही नहीं। देखो अब यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्या आएगा, कोऑर्डिनेट क्या निकल के आया, एक्स और वाई ना, तो बताओ एक्स का वैल्यू कितना निकल के आया, थ्री माइनस थ्री बाय टू, और वाई ऑलरेडी तो दिया गया है ना, तो वाई क्या जीरो, निकालने की जरूरत ही नहीं, ऑलरेडी दिया गया है, ठीक ना, तो इतना आ गया, तो ये आंसर इतना नहीं आएगा, और जो रेशियो है वो कितना आएगा, रेशियो आपको के रेशियो वन का मतलब वन रेशियो वन आंसर। एक बार रिकॉल कर देते हैं, समझने का प्रयास करना, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द, आपको ए कोऑर्डिनेट दिया गया है और बी कोऑर्डिनेट दिया गया है, और ये ए कोऑर्डिनेट बी कोऑर्डिनेट दोनों आपस में एक लाइन से ज्वाइन किया है, और डिवाइड जो है एक्स एक्सिस पर कर रहा है, एक्स एक्सिस पर कर रहा है मतलब वाई क्या जीरो, ठीक ना, ये आपको रेशियो ज्ञात करना है, और क्या बात करना है, कोऑर्डिनेट ज्ञात करना है, क्योंकि फोर्थ क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ रेशियो निकालना था, तो यहाँ पे कि हम क्या यूज करेंगे, हम मान लिए कि रेशियो रहा होगा आपको के रेशियो वन, हम मान लिए, ठीक ना, के रेशियो वन, अब यहाँ पे हम के रेशियो वन मान लिए, अब यहाँ से सेक्शन फार्मूला लगाएंगे, सेक्शन फार्मूला देखो ये होता है, और इस पर हम ये बातें जो लिखे हैं इस पर हम पुट कर दिए, ठीक, अब पुट कर दिए तो यहाँ से हमको क्या निकल गया, एक्स का वैल्यू निकल गया, जब एक्स का वैल्यू निकल गया और वाई से हमको क्या था पहले पता ही था, तो यहाँ से मेरा कोऑर्डिनेट निकल गया, कोऑर्डिनेट क्या निकला, कोऑर्डिनेट क्या निकला बताओ, कोऑर्डिनेट जो मेरा निकल के आ गया, एक्स वाई जो कोऑर्डिनेट निकल के आया, यानी एक्स का जो वैल्यू निकल के आया माइनस थ्री बाई टू, और वाई हमको दिया गया था, ये कोऑर्डिनेट निकल के आ गया, ठीक ना, फिर पूछा रेशियो क्या होगा, तो हमें बताओ बाबू यहाँ पे वाई दिया गया था, इसलिए हम जो वैल्यू दिया गया उसको पहले हम फाइंड कर लिए, बनाना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा, तो यहाँ से हम चले सेक्शन फार्मूला का यूज करके, तो वाई का वैल्यू क्या दिया गया था, जीरो दिया गया था, सेक्शन फार्मूला का हम यूज किए, तो सेक्शन फार्मूला का यूज करते करते सोल्यूशन पर पहुंचे, तो के का वैल्यू क्या आ गया आपको वन आया, तो आपको रेशियो कैसे चलता है, आपको कोई भी डिजिट रहता है उसको नीचे वन छिपा रहता है, तो के का नीचे वन छिपा होता है, यानी छिपा था, और वन बाई वन, और रेशियो क्या आ गया वन बाई वन, तो आई होप कि क्वेश्चन समझ में आया होगा, तो आज का क्लास जो है यहीं पे रखते हैं, ठीक ना, फिर से नेक्स्ट क्लास में आगे का क्वेश्चन देखते हैं, ठीक, क्वेश्चन समझ में आया है, चलो तो राइट डाउन करो जल्दी, वह राइट डाउन कर लो, किसी किसी को प्रॉब्लम, मन से पढ़ो, बदमाशी नहीं, बदमाशी करेगा दिक्कत है, मेहनत से पढ़ाया जा रहा है, लाइफ में हमेशा इंजॉय है, बट पढ़ने के बाद, और नहीं तो यही ठेला पर फिर समोसा खाने पड़ेगा, खाते रहना, समझ गया, सासे राम रहना, हो गया कोई दिक्कत नहीं ना, उधर प्रिंस आया समझ में, उधर आया समझ में, तो समझ में आया है, उतार जो तरह मानस, अरे तो अब कंप्लेंट आ गया ना, मैथ नहीं सर इसको समझ में आता, मारेंगे तो गधा ठीक कर देंगे, नंबर आएगा ना अच्छा कि नहीं, हाँ चलो इधर है, महारथी लोग बैठे हुए, देखो ना 4-5 में थी तो एक दिन क्लास नहीं छोड़ दी, 10th में गई है, पानी के बहाना तब ये यो दिस डेट, अरे अलोक समझ में कि नहीं आया, घर जाते जाते भूल जाएगा ये, नहीं रे घर जाते जाते सब सा हो गया,
मिटाते हैं, है? तो चलो आज यहीं पे रखते हैं, ठीक ना।